याशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत आज की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय नेता उपस्थित थे। वहीं पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा हुई कि हमारे सभी पदाधिकारीगण ने बहुत उत्साह से आज के इस सदस्यता अभियान कार्यक्रम में भाग लिए, तो बहुत जल्द बन जाएगा। अब हम लोग समझिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 तारीख को पूरे देश के लिए ये सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी का जो अस्तित्व है, जो विचारधारा है, और जिस विचारधारा से झारखंड में बहुतेरे लोग जुड़े रहे हैं, पलामू है, लातेहार है, गरवा है, हुसैनाबाद है, चतरा है, गोड्डा है, फिर आपको बगोदर है, हजारीबाग है, रांची है, देवघर है। ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाए तो मतलब कि छोड़ रहे हैं। जमशेदपुर है, इन लोहरदगा, अरे भाई सभी जिला, मैंने कहा इन जिलों में हमारे बड़े बड़े नेता हुए हैं। अरे आप सुनो तो, इन जिलों में हमारे बड़े बड़े नेता हुए हैं, पुरखे, जो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और हक हुकूक की लड़ाई में लगा दिया। डाल्टनगंज से होते थे पूरनचंद जी, फिर आपको विश्वनाथ मोदी जी होते थे कोडरमा से, फिर रानी डे होती थी, उनके हस्बैंड हुआ करते थे, फिर आपको हमारा जमशेदपुर से भी एमएलए हुआ करता था, हमारे एमएलए मांडू से भी हुआ करते थे, वगैरह वगैरह। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग बड़ी तादाद में, और हमारे कार्यकर्ता नेताओं की भी तादाद बड़ी है। अब मैं खुद राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी, जो लोग भी बैठे हैं यहाँ, तो महीना में एक बार या 15 दिन में एक बार राष्ट्रीय पदाधिकारी एक बार जरूर आएंगे यहाँ, यहाँ के संगठन की समीक्षा करेंगे। और हम लोग सिर्फ रांची तक ही सीमित नहीं रहे। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, वरिष्ठ नेता श्री श्याम रजक जी, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय माननीय श्री भोला यादव जी, और हमारे दल के सभी वरिष्ठ नेता और साथीगण, और जो आज सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए सभी समर्पित राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के साथीगण उपस्थित हैं। और आज सदस्यता अभियान की शुरुआत यहाँ हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिन पहले बैठक हुई थी पटना में, और यह तय किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने निर्देश दिया, जिसमें विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी भी उपस्थित थे, कि हम राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे, विस्तारित करेंगे और इसको बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक बड़ा नाम है, बड़ा व्यक्तित्व है, और चाहने वाले भी पूरे देश में है, बिहार और झारखंड में तो हमेशा है ही यहाँ। तो आज के तारीख में जो राष्ट्रीय जनता दल ने अभियान चलाया है, नीचे के इकाई तक हम संगठन को ले जाएंगे। हम जो है वार्ड में ले जाएंगे, ग्राम पंचायत में ले जाएंगे, प्रखंड में ले जाएंगे, जिला में ले जाएंगे, और जो उसकी संगठनात्मक प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए अधिक से अधिक, जिसकी चर्चा प्रधान महासचिव जी ने किया, कि हम बड़े पैमाने पर झारखंड में भी हमारा जनाधार बहुत मजबूत है,
हमारे पास सम्मानित नेता साथी कार्यकर्ता बहुत जबरदस्त है और आदरणीय लालू जी की बड़ी जो है पहचान रहा है और राष्ट्रीय जनता दल जो है 26 साल का उसका जो है वक्त जो है 25 साल हो गया 26वां में हम प्रवेश किए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ लालटेन के साथ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सपनों को जहां साकार करेगा, वहीं जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी युवाओं का आइकॉन जो है हम जो है इसे बिहार के नहीं बल्कि देश के उन सारी शक्तियों को समेट के झारखंड प्रदेश में हम बेहतर सदस्यता अभियान चला करके संगठन को बेहतर करेंगे। आज इसी के लिए हम सारे साथी इकट्ठे हुए थे, सभी वरिष्ठ नेता झारखंड के यहाँ जितने भी हमारे हैं पदाधिकारी हैं, एक्स MLA हैं, एक पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता साथी जिले के हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जो है आज सदस्यता अभियान जो है सबों के हाथों से जो है बांटने का काम किया गया। आज की जो बैठक थी विशेष करके इसलिए रखी गई थी क्योंकि एक रिन्यूअल प्रोसेस है, आफ्टर एवरी 3 इयर्स पार्टी डिसॉल्व होती है और री इलेक्शन होता है हर एक कमेटी का जितना भी विभाग है उसका, तो और साथ साथ में जो आगे का टारगेट्स है वो दिया जाता है कि पार्टी को किस तरह से विस्तार करना है, किस तरह से बढ़ाना है और किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन है उसकी तैयारी करनी है, तो बस इसी सब पे चर्चा हुई है आज। मैं वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश महासचिव हूँ और आज सदस्यता अभियान का फिर से शुरुआत हुआ है 2022 में और 2020-21 का सबसे ज़्यादा सदस्य झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का बनाने का काम किया मैंने और मुझे प्रमाण पत्र भी दिया गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और आने वाला समय में 2022 हो 23 हो 24 हो उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने का काम करेंगे और आने वाले समय में मुझे मौका मिले, मुझे काम करने का मौका मिले, संगठन को मजबूत करेंगे और झारखंड का 2400 जिला में मजबूत करने का काम करेंगे। झारखंड में 3.25 करोड़ जनता के बीच में हम लोग जाने का काम करेंगे, एक एक दुख दर्द को समझने का काम करेंगे और नौजवानों के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम करेंगे, गरीबों के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम करेंगे, कहीं भी कोई भी मामला होगा राष्ट्रीय जनता दल हस्तक्षेप करके उसको सुलझाने का काम करेंगे। अभी हम लोग सरकार में हैं, महागठबंधन सरकार में, अब जान देख ही रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। देखिए इसमें उनके साथ गलत हुआ है, हम मानते हैं गलत हुआ है, अगर किसी के साथ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है सरकार बैठी हुई है, सरकार निर्णय करेगी, सरकार कानून हम लोग के साथ में है, कानून जो भी निर्णय करेगा कानून दोषियों को छोड़ेगा नहीं, इतना जान रखिए। देखिए हमें तो पूर्ण नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है और मैं बिस्तर से मैं बाहर में था, मैं परसों आईवे किया हूँ और मैं पूरे जानकारी तक जाऊँ, उस परिवार परिजनों से मिलूँगा और हम लोग को राष्ट्रीय जनता दल का हमदर्दी उनके साथ में है और हमेशा रहेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।